तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के वर्क ऑर्डर के बारे में। टेक्निकली देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर एक सिविल इंजीनियर, स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, QS इंजीनियर एंड बिल्डिंग इंजीनियर्स को इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क ऑर्डर है तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे उनमें कवर किया जाता है और इंटरव्यू में इन बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों कहने का पर्पज ये है कि जो लोग कभी भी वर्क ऑर्डर को स्टडी करते हैं या फिर अगर कोई इंजीनियर क्लाइंट की तरफ से कोई भी वर्क ऑर्डर को ड्राफ्ट करता है यानी कि बनाता है तो उसको किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को टारगेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि जिससे कि इन फ्यूचर जब वो काम साइट पे चले तो उसमें ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। अगर डिस्प्यूट भी क्रिएट हो तो उनका रेजोल्यूशन भी इन्हीं वर्क ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे किया जाता है। तो कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में वर्क ऑर्डर होता क्या है और उनमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उनका आगे क्या रोल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली वर्क ऑर्डर इशू किसको किया जाता है। अब देखिए हमारी एक पार्टी होती है क्लाइंट जिसको काम कराना है और एक पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टर। तो यानी कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड करता है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने से पहले हमारी एक टेंडरिंग की प्रोसेस होती है यानी कि आपकी NIT इशू होती है, उसके बाद में प्री बिड मीटिंग होती है, टेंडर का सबमिशन होता है यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया है तो सब सारे लोग अपनी बिड सबमिट करते हैं। इसके बाद में फर्स्ट नेगोशिएशन मीटिंग होती है और एक फाइनल नेगोशिएशन मीटिंग होती है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, बट जो पार्टी उस टेंडर को विन करती है तो उसको दिया जाता है ये आपका वर्क ऑर्डर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी हम कोई भी वर्क ऑर्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो हमें उसमें देना होता है बेसिकली एक रेफरेंस नंबर जिससे कि हम ट्रैक कर सकें कि कौन सा वर्क ऑर्डर किस पार्टी को दिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे वर्क ऑर्डर हमें इशू करने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो ये रेफरेंस नंबर हमें हेल्प करता है कि कौन सा वर्क ऑर्डर किसको दिया गया है। दूसरा, अगर अकाउंट से पेमेंट हो रही है इस वर्क ऑर्डर के बिहाफ पे तो उसको भी ट्रैक किया जा सके। अगली चीज होती है हमारी वर्क ऑर्डर की डेट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो इसका भी जो रोल है अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब ये दो चीजें क्लियर होने के बाद में हमें डालना होता है कॉन्ट्रैक्टर की जो भी फर्म है उसका नाम, उसका एड्रेस या फिर आप GST नंबर भी उसका यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद हमें लिखना होता है उसका जो भी ओनर है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, सब्जेक्ट यानी कि कौन सा काम है यानी कि मैं यहाँ पर मैंने दिया हुआ सिविल वर्क्स फॉर जिस प्रोजेक्ट के लिए हो, वो प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, सिटी स्टेट, ये सारी चीजें हम इसमें भर देते हैं। इसके बाद में रेफरेंस हमारा रहता है कि जो भी हमारी टेंडरिंग की प्रोसेस हुई है तो उसका एक रेफरेंस हमें इसमें देना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक जनरल जो एक फॉर्म है वो हमारा लिखा जाता है कि क्लाइंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड कर रहा है और वो किस लोकेशन में है, तो ये सारी डिटेल हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद में हमारी सबसे पहली क्लॉज आ जाती है एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस की। बेसिकली इसमें स्कोप ऑफ वर्क यानी कि किस टाइप का वो काम है और क्या क्या उसमें कवर हो रहा है और उसके रेफरेंस में जो हम लोग बताते हैं आइटम रेट वर्क ऑर्डर के लिए, आइटम रेट के लिए हम लोग क्या देते हैं BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड प्राइस शेड्यूल, तो इसका रेफरेंस हमें यहाँ पर देना होता है। और BOQ आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा सिविल का जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का काम है तो ये BOQ हमारा एक इनक्लोज्ड होता है हर एक वर्क ऑर्डर के साथ और कॉन्ट्रैक्टर जो भी आइटम का काम करेगा और उसका एक रेट कोट किया होगा तो जो भी काम किया है उसका रेट से मल्टीप्लाई होगा, जो भी उसकी पेमेंट बनेगी वो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये एक बेसिक है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट कुछ कहीं कहीं पर क्लाइंट्स सेफर साइड में एक ये जो क्लॉज है ये भी इसमें ऐड ऑन करते हैं
वी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि क्लाइंट कह रहा है कि हम आपका जो काम का स्कोप है वो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई आइटम्स डिलीट भी कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर लॉस ऑफ एंटीसिपेटेड प्रॉफिट फॉर मोबिलाइजेशन रिसोर्स। तो ये सारी चीजों के लिए अगर कोई भी नेचर ऑफ वर्क में चेंज किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी एडिशनल क्लेम नहीं लेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल क्लॉज है हमारी जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट सम एंड एग्रीड BOQ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट सम बेसिकली आपका होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने वैल्यू के लिए वर्क ऑर्डर दिया गया है। और इसमें होता क्या है कि जो भी वर्क ऑर्डर दिया जाएगा तो इसमें जो ये वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि इसी वैल्यू के बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, लिक्विडिटी चार्जेस एल जिसको हम लोग LD बोलते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें इसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे कैलकुलेट होती हैं। तो ये भी हम लोगों को देना होता है और इसकी वैल्यू हम लोग इंक्लूडिंग टैक्सेस देते हैं, जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको हमने इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हैं। इसमें देखिए हमारा GST भी 18% इंक्लूड हो रहा है, प्लस लेबर सेस भी 1% इन्होंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, और यही अमाउंट की जो वैल्यू है BOQ की वो हमारी इसमें कवर हो रही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज एन आइटम रेट ऑर्डर, यानी कि मैंने जैसा कि बताया था कि ये एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसमें जो भी पेमेंट होगी इसमें लिखा हुआ है द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड पेमेंट शैल बी असर्टेन टू द एक्चुअल एग्जीक्यूटेड वर्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल में जितना काम करेगा तो उसको जो नेट पेमेंट होगी वो उतनी ही होगी। इसके बाद में जो अगली जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है रेट्स एस्केलेशन एंड प्राइस वेरिएशन, तो इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है कि मार्केट में जो मटेरियल्स लेबर्स के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट भी होते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में कहीं कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से एक्स्ट्रा क्लेम ना कर ले उन चीजों के लिए, तो ये क्लॉज भी हमें उसमें डालनी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है द रेट टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड हियर इन शैल रिमेन फर्म फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ द वर्क, यानी कि कोई भी जो रेट है जो इस BOQ में कॉन्ट्रैक्टर ने कोट किया है, यानी कि मैं एग्जांपल के लिए जैसे इंटरनल प्लास्टर का जो हमारा रेट है 273 रुपए है, अगर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है तो ये रेट चेंज नहीं होगा, उसको जो बिलिंग होगी वो इसी रेट से होगी। तो बेसिकली इस चीज का पर्पज है इस क्लॉज को देने का, नो एस्केलेशन और इंक्रीज शैल बी पेएबल ऑन एनी अकाउंट इन एनी मैनर, ठीक है। तो ये क्लॉज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है, इसको भी हमें कवर करना होता है। इसके बाद में मोबिलाइजेशन एडवांस एंड रिकवरी, अब देखिए मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में सबको पता है कि ये आपका एक रिकवरेबल मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, यानी कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन तो देगा, कितना देगा 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सम, यानी कि जो भी अभी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी तो इसका 10% जो भी मोबिलाइजेशन एडवांस है वो कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाएगा, कब, जब वो इसके अगेंस्ट में बैंक गारंटी सबमिट करेगा। और मोबिलाइजेशन की रिकवरी उसका प्रोसेस उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ये जो 10% मोबिलाइजेशन एडवांस है ये 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है और वो भी एक वैलिड इरिवोकेबल बैंक गारंटी के अगेंस्ट में, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को एक सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती है क्लाइंट को। अब इसकी पहली इंस्टॉलमेंट उसको पे की जाती है 5% जब कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड होगा, और दूसरी इंस्टॉलमेंट उसको पे की जाएगी जब वो साइट पर मोबिलाइज कर लेगा और उस पहले वाली मोबिलाइजेशन का यूटिलाइजेशन प्रूफ दे देगा। और इसकी रिकवरी हमारी प्रोराटा बेसिस पे रिकवरी होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे साइट पे काम करेगा तो उसके बेसिस पे जो भी उसका बिल बनेगा तो उन्हीं बिल से उसकी रिकवरी की जाएगी। जनरली हम लोग जो रिकवरी स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस की, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क डन की वैल्यू जब 20% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट पहुंच जाएगी तो वहां से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और 80% जो भी उसका वर्क डन होगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पहुंचेगा, यानी कि टोटल वर्क डन, तो उस पीरियड में ये सारा मोबिलाइजेशन एडवांस उसको रिकवर कर लेना है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है मोबिलाइजेशन एडवांस का।
इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी पेमेंट टर्म्स यानी कि बिलिंग की। तो हम सभी लोग जानते हैं जो भी कॉन्ट्रेक्टर काम करता है तो उसको 100% पेमेंट हो जाती है जो भी उसने काम किया हो, और इसमें लिखा हुआ है विद इन 15 डेज। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 डेज के अंदर उसको पेमेंट होनी है, या फिर ये फिर 30 दिन भी हो सकता है। इसके बाद में मिनिमम लिमिट रहेगी यानी कि कॉन्ट्रेक्टर को मिनिमम कितने का बिल सबमिट करना है, तो ये लिमिट भी आपकी उसमें डिफाइन होती है। इसके बाद में एक और हमारे क्लॉज होती है एडॉक पेमेंट की। एडॉक पेमेंट जो बेसिकली दी जाती है कॉन्ट्रेक्टर के कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। एडॉक पेमेंट में क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रेक्टर बिल सबमिट करेगा उसकी जो भी वैल्यू होगी तो उसका 70% 80% 90% तक एडॉक पेमेंट दिया जाता है कॉन्ट्रेक्टर को, और बाकी का जो पेमेंट है वो बिल को प्रॉपर मेजरमेंट चेक करके सर्टिफाई करने के बाद में जो भी बैलेंस पेमेंट होगी एडॉक पेमेंट को माइनस करके उसको दे दिया जाएगा। तो ये एक एडॉक पेमेंट का भी क्लॉज होता है। इसके बाद में फैसिलिएशन फॉर कॉन्ट्रेक्टर सप्लाइड मटेरियल। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बेसिक रेट होते हैं आइटम रेट के कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे सीमेंट का है, टाइल का है, स्टोन है, या जो भी रेनफोर्समेंट स्टील है। तो क्लाइंट ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमने बीओक्यू में बेसिक रेट दिए हुए हैं तो उनको नेगोशिएट भी हम कर सकते हैं। अगर वो प्लस में जाएंगे बेसिक रेट तो हम आपको एडिशनल पैसा देंगे, अगर वो बेसिक रेट माइनस में हम मार्केट से नेगोशिएट कर लेते हैं तो उसकी हम रिकवरी भी कर सकते हैं बिल में। तो ये वाली क्लॉज भी हमारी ज्यादातर सिविल वर्क्स के क्लॉज में देखने को मिलती है। इसके बाद में हमारी अगली क्लॉज आती है रिटेंशन मनी या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, और ये रिटेंशन मनी, इसमें लिखा हुआ है रिटेंशन मनी विल बी डिडक्टेड एट द रेट 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन। यानी कि कॉन्ट्रेक्टर जो भी काम करेगा और उसका जो भी बिल सबमिट करेगा तो उसका 5% रिटेंशन मनी डिडक्ट कर ली जाएगी, और ये रिलीज कब की जाएगी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद में। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हमारा होता है 12 मंथ का यानी कि एक साल का। तो यानी कि जो भी उसके बिल से रिटेंशन मनी का डिडक्शन किया गया होगा तो वो उसको एक साल के बाद में रिलीज कर दी जाएगी, अगर कोई भी डिफेक्ट उसमें के द्वारा किए गए जो भी काम उसने किया अगर उसमें नहीं आते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम को कितने दिनों में स्टार्ट करना है और उस काम को कितने दिनों में खत्म करना है। तो ये ज्यादातर हमारा 15 डेज 30 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू वर्क ऑर्डर। यानी कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी वर्क ऑर्डर की डेट होगी तो उससे 15 दिन के अंदर उसको काम स्टार्ट कर देना है और उस काम को 200 दिन के अंदर खत्म करना है। तो ये 6 मंथ्स 12 2 ईयर 1 ईयर ये जो भी पीरियड है वो भी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद में अगली हमारी क्लॉज आ जाती है सेटिंग आउट एंड साइट सर्वे। इसमें बेसिकली बताया गया बेसिक लेआउट एंड टेम्परेरी बैच मार्क एट सर्टेन लोकेशन आर एस्टेब्लिश्ड एट साइट। यानी कि ये बेसिक लेआउट जो है हमारा, ये टेम्परेरी बेंच मार्क तो है हमारे साइट पे, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट ए कम्प्रीहेंसिव सर्वे टू चेक द लेआउट लेवल्स एज रिक्वायर्ड बाई दी वर्क। तो यानी कि बाकी अगर कोई भी थर्ड पार्टी लेके आनी है सर्वे कराने के लिए, उसको क्रॉस चेक करना है, तो ये सारा काम भी कॉन्ट्रेक्टर को ही करना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे डीएलपी यानी कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की रिटेंशन वाले पार्ट में, तो वही डिफेक्ट लायबिलिटी को यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है दैट यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर डीएलपी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यानी कि कॉन्ट्रेक्टर जिस टाइम पर काम को खत्म करेगा तो तब उसको इशू होता है वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फिर वहां से स्टार्ट होता है आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो ये एक इसमें डिटेल दी गई कि आपका डीएलपी का टाइम कितना होगा। ये इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स में 6 महीने का होता है और सिविल रोडवर्क्स मेन काम में ये 12 मंथ्स का होता है। इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी लिक्विडिटी डैमेजेस। लिक्विडिटी डैमेजेस वो है कि अगर हमारा जो काम है ये 200 दिन में पूरा नहीं हो पाता है, इसको वो 240 दिन ले लेता है, 250 दिन ले लेता है, तो यानी कि वो प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है, तो उस केस में हमारी ये लिक्विडिटी डैमेजेस की क्लॉज एप्लीकेबल होती है। इसमें लिखा हुआ है 0.05% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सम पर वीक, इतनी उस पे पेनाल्टी लगाई जाएगी पर वीक की जो भी कॉन्ट्रैक्ट सम होगा। ये पर वीक पे एप्लीकेबल हो रही है, पर मंथ भी हो सकती है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने अपने टेंडर में क्या मेंशन किया हुआ है, बट लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ द 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लेकिन इसको मैक्सिमम 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं लगा सकता है। ये हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट प्राइवेट की क्लॉजेस में ये फर्म है, यानी कि ये फिक्स है। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा कितना कट सकता है, जो हमारी ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसका 5% जो भी वैल्यू बनेगी उतनी डिडक्शन एज ए पेनाल्टी
कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लग सकती है अगर वो प्रोजेक्ट को अननेसेसरी डिले करता है। इसके बाद में हमारी आ जाती है बिलिंग डिटेल्स। बहुत सारे केसेस में जो टैक्स इनवॉइसेस में जो हमें बिलिंग करनी होगी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्टर बिल रेज करेगा क्लाइंट को, तो उसको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है उसके टैक्स इनवॉइस में, जैसे कंपनी का नाम, बिलिंग का जो एड्रेस है वो, साइट का एड्रेस है, उसका जीएसटी नंबर है और स्टेट कोड है। तो इससे क्या रहता है कि बिलिंग में एक आसानी रहती है। और एक चीज जरूर ध्यान रखें, ये जो भी टैक्स की लायबिलिटी है वो क्लाइंट की है, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा और कॉन्ट्रैक्टर उसको डिपार्टमेंट में सबमिट कराएगा। और अगर ये सारी डिटेल सही भरी होगी तो क्लाइंट को फिर उस पर रिटर्न लेने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अगला है हमारा क्वालिटी एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब बेसिकली इसका समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है। द टाइम एंड क्वालिटी इज द एसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लाइंट कह रहा है कि टाइमली कंप्लीशन और क्वालिटी जो है प्रोजेक्ट की, वो हमारे लिए मेन है। अगर इनके इस कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दिया है, अगर वो टाइमली उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसका बैलेंस या होल पार्ट वो किसी अदर वेंडर से कराएगा और उसका जो भी रिस्क एंड कॉस्ट का खर्चा होगा वो आपके अकाउंट से रिकवर किया जाएगा विदाउट एनी रिकोर्स टू यू। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्लॉज होती है, इसको भी आपके वर्क ऑर्डर में डालना चाहिए। इसके बाद में अगली हमारी जो है साइट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो भी साइट का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका ऑफिस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, टूल्स एंड प्लांट्स हो गए, तो ये सारा सब आपको अपनी कॉस्ट पे करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। और इसके लिए जो भी मटेरियल, जो भी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें आपको अरेंज करनी है। अगर इनकेस कोई मशीनरी, टूल्स एंड प्लांट्स में अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ भी लॉस होता है, तो वो भी आपको ही बियर करना है। इसके बाद में लेबर हटमेंट्स का जैसे एक इशू रहता है, जैसे इसमें इन्होंने बताया हुआ है द लेबर हटमेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द साइट। तो यानी कि इसने क्लियर कर दिया कि लेबर हटमेंट के लिए हमारी साइट पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ये भी आपको अपनी कॉस्ट पे अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें भी इसमें लिखी हुई है, और जो भी अरेंजमेंट करना है वो आपकी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनकी कंप्लायंस को पूरा करते हुए करना है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर की गई है। अगला है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शैल बी अरेंज बाय यू एट हिज ओन कॉस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट आपको अपनी कॉस्ट पर करना है। बट सम केसेस में क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो वहां पर बोरवेल का जो पानी है वो अलाउड नहीं है। तो जैसे कि एनजीटी है, हुडा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एसटीपी के वाटर को ट्रीट करके फिर से कंस्ट्रक्शन में यूज करना होता है। तो इसके लिए कोई एसटीपी का प्लांट, डब्ल्यूटीपी का प्लांट है, अगर लगाना है तो वो भी आपको अरेंज करना ही करना है। तो ये क्लॉजेस भी हमें इसमें कवर करनी होती हैं। इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग, यानी कि सेफ्टी, जो भी आपका काम चलेगा उसकी सेफ्टी और हाउसकीपिंग का भी आपको अरेंजमेंट करना है। और उसके जो भी एक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, माइनिंग एक्ट है, तो इनमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनके कंप्लायंसेस को भी पूरा करना है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें इसमें कवर करनी होती हैं। इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। इसमें भी इसमें बताया कि जो भी मटेरियल साइट पे आएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको अपनी रिस्क एंड कॉस्ट पे अरेंज करनी है। तो ये एक प्रॉपर क्लॉज है आपकी इसके लिए कि जिससे कि अगर इनकी कोई भी लॉस होता है तो क्लाइंट उसके लिए कोई भी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देता है, नहीं देगा। इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी इंडेमनिटी। इंडेमनिटी की क्लॉज को आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी साइट पर काम करता है तो उसकी बहुत सारी जगह इन्वॉल्वमेंट रहती है, जैसे सप्लायर्स की पेमेंट हो गई, लेबर्स की पेमेंट हो गई, या कुछ ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिसर्स हैं, वेंडर्स हैं। तो अगर जैसे क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर अगर आगे उनको पेमेंट नहीं देता है, तो उस चीज से भी क्लाइंट को इंडेमनिफाई रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर उसको पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि अपने आगे वेंडर्स को, तो उसमें क्लाइंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सच एस मान लो कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, वर्कमैन जो लेबर्स की पेमेंट है, या जो भी कोई भी एक केस है, तो इस चीज से भी उसको इंडेमनिफाई करना है। और इसके लिए एक प्रॉपर अंडरटेकिंग ली जाती है कॉन्ट्रैक्टर से, एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प।
अब इसके बाद में इंडेमनिटी में एक चीज और हमारी कवर होती है, लेबर कंप्लायंसेस। अब देखिए इंडिया में लेबर के कंप्लायंसेस को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे पेमेंट एंड वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय लायबिलिटी एक्ट, वर्कमैन्स एंड कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो आपका PF है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये बहुत सारे एक्ट हैं, तो इन सारी चीजों के जो कंप्लायंस हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर को पूरे करने हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन का वॉयलेशन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किया तो इसकी जो डायरेक्ट जो भी पेनाल्टी इम्पोज होगी तो वो क्लाइंट पे इम्पोज होगी, क्योंकि क्लाइंट प्रिंसिपल पार्टी है उस प्रोजेक्ट की। तो इसलिए ये इस क्लॉज को बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को प्रॉपरली पढ़ के उसको कवर करना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो ड्राफ्ट है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका जो भी PDF एंड वर्ड दोनों फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगली क्लॉज है हमारी असाइनमेंट एंड सबलेटिंग। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड किया और उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसी सेम काम को किसी और पार्टी को दे दिया, यानी कि उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई या तो पूरा काम दे दिया या फिर कुछ पार्ट दे दिया। तो इसमें क्लाइंट ये कहना चाहता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट पर्सनली उस प्रोजेक्ट में रहे, आप ऐसा ना करें कि आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किसी और वेंडर को अवार्ड कर दें, क्योंकि कुछ प्रॉफिट का पार्ट लेके क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आगे काम किसी और को दे देते हैं। बट अगर करना है तो उसके लिए रिटन कंसेंट लेना होगा क्लाइंट का, एनी परमिशन टू सब कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ द वर्क शैल नॉट रिलीव यू फ्रॉम एनी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपकी सबलेटिंग वाली क्लॉज में कवर हो जाती हैं। अगर इनका वायोलेशन करेगा तो फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पार्ट है, वर्क ऑर्डर है, वो टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद में आपका एक है कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल रिस्क पॉलिसी एंड इंश्योरेंस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वहां पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लेबर की डेथ हो जाती है, तो वो सारी चीजें आपकी इसी में कवर होती हैं। अगर इनके इस भूकंप आ जाता है, पूरी साइट गिर जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में ये सारी चीजें कवर होती हैं, और इनका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को ही देना है जब वो इंश्योरेंस कराएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी के ऊपर मैंने एक प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में कैंसिलेशन ऑफ वर्क ऑर्डर। अब देखिए कैंसिलेशन ऑफ वर्क ऑर्डर में कोई भी जो, जैसे मैं एक बार बता देता हूं, दिस वर्क ऑर्डर मे बी टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज इफ देयर इज ए डिले। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है, नॉन परफॉर्मेंस होती है, मटेरियल वॉयलेशन ऑफ दिस वर्क ऑर्डर और एनी अदर रीजन, जो भी उसको जस्टिफाई लगेगा क्लाइंट को, तो वो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। कितने 7 दिन 15 दिन का जो भी उसको नोटिस देना होगा उसके बेस पे। अब मान लीजिए अगर वर्क ऑर्डर कैंसिल होता है तो फिर इसमें डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो इसमें ये देखिए लॉ एंड ज्यूरिडिक्शन की क्लॉज है कि अगर उसका जो भी केस है डिस्प्यूट रेज होता है तो वो कहाँ जाएगा, हमारा कोर्ट में जाएगा। तो ये लिखा हुआ द वर्क ऑर्डर शैल बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडिया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो उसके बेस पे इसका रेजोल्यूशन किया जाएगा। और एक चीज और है इसमें कि वो जो भी डिसीजन होगा वो आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा या डायरेक्ट कोर्ट के थ्रू होगा, तो ये भी चीज इसमें आपकी कवर की जाती है। तो जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के थ्रू ही रेजोल्यूशन उनका लिया जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में जो आपका वर्डिक्ट है, रिजल्ट है, वो जल्दी आ जाता है। क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो उसमें फिर आपकी डेट्स लगती हैं, तो उसमें जो उसका डिसीजन आना है तो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। तो इसके लिए आर्बिट्रेशन की क्लॉज हमारी डाली जाती है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी कोर्ट्स है, जैसे इसमें दिया हुआ है जो भी सिटी है जहां पर वो काम चल रहा है, तो उसके लिए कोर्ट का भी हमें मेंशन करना होता है कि हमारे लिए कौन सी कोर्ट एप्लीकेबल होगी। लास्ट में हमारा जाता है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड अरेंज इमीडिएट कंप्लायंस विद द प्री कंस्ट्रक्शन फॉर्मेलिटीज। अब यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहा है कि ये सारी जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी हमने इसमें ब्रीफ की हैं, बट टेंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, बट जो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले ये वर्क ऑर्डर को पढ़ा जाएगा इस काम के लिए। तो इसे जब कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड हो जाएगा तो उसको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, जैसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, लेबर के कंप्लायंसेज हैं, तो ये सारी चीजें उसको सबमिट करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस हैं, बैंक गारंटीज हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए, तो ये सारा सब उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी साइन ऑन दिस वर्क ऑर्डर
एज ए टोकन ऑफ योर एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, और इसके बाद में दोनों पार्टी इसको साइन कर देती हैं। यहाँ पर क्लाइंट साइन कर देता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर साइन कर देता है, और लास्ट में जो इनक्लोजर्स हैं जैसे आपके बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड प्राइस शेड्यूल, ये आपका इसमें एनेक्स हो जाता है, यानी कि इसमें ये बीओक्यू भी इनक्लोज्ड हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया, एक वर्क ऑर्डर को पढ़ने का, समझने का, और यही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपका काम जब तक साइट पे चलेगा तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल रहेंगी, और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे उसको पेमेंट होगी। जो भी हमारी पेमेंट टर्म्स हैं, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी रेजोल्यूशन है, वो इन्हीं के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आज मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये जो ड्राफ्ट की कॉपी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको डिटेल में देखना है तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।